you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean? तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि मैं इयान नहीं बल्कि जंगकुक हूँ, तो फिर क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझे? वो इसलिए क्योंकि गार्ड्स पकड़ लो इसे। एंड फिर गार्ड्स इयान को पकड़ लेते हैं। हे हे, तुम ये कर क्या रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगा और तुम्हें जेल में डलवाऊंगा, वो सब बाद में कर लेना। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे ले जाओ और रूम में बांध दो। और हाँ, याद रहे कि ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। ओके बॉस। कहाँ ले जा रहे हो मेरे यान को? गार्ड्स यान को रूम में ले जाते हैं और बांध देते हैं। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। गार्ड्स इसे भी ले जाओ। एंड इसके बाद गार्ड्स रोज को भी कैद करके रख देते हैं। ये क्या चल रहा है बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ? शुगा पुत्र, इस जंगकुक के डुप्लीकेट को और उसकी वाइफ को तुम कैद करके क्यों रख रहे हो? पापा जी, वो मेरा जंगकुक है, कोई डुप्लीकेट नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अरे पुत्र, मेरे बोलने का ऐसा मतलब नहीं था, शायद ताई सही बोल रही है। शुगा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ताई ने कहा कि वो जंगकुक है, तो आपने उसे कैद करके ही रख दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है? मुझे पता है जिमिना, तुम मेरे बारे में अभी क्या सोच रही हो, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं जंगकुक के लिए ही कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं शुगा जी। बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हमें समझाओ। दामाद जी का कहने का मतलब क्या है? शुगा जी जी बताइए कि आपको भी यही लगता है ना कि वही हमारा जंगकुक है? शायद हाँ ताई, शायद। मैंने जंगकुक को अपने आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, वो सब कुछ मुझे पता है। तो फिर आप लोग ही बताइए कि मैं अपने भाई को पहचान नहीं सकता? ये बात तो ठीक है पुत्र, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता है कि वही हमारा जंगकुक है। पापा, साबित तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वही हमारा जंगकुक है। शुगा बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वही हमारा जंगकुक है? अगर सच में ऐसा है तो मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ। बिल्कुल मम्मी, अगर वो सच में हमारा जंगकुक पुत्र है तो वो हमें पहचान क्यों नहीं रहा है? क्या उसकी सच में मेमोरी लॉस हो गई है? शायद हाँ पापा, जब ताई इयान को रोक रही थी और उसे बोल रही थी कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, तब मुझे शक हुआ कि शायद हाँ ऐसा हो सकता है। मुझे भी लग ही रहा है कि वही हमारा जंगकुक है, लेकिन कैसे? वो लड़की उसकी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में उसका बच्चा है। वो बच्चा जंगकुक का नहीं है जिमिना। लेकिन कैसे मम्मी? देखो, जंगकुक को गए हुए 5 महीने से ज्यादा ही हो चुके हैं, लेकिन हाँ, उस लड़की का पेट तुम लोगों ने ध्यान से देखा है? उसे देखकर यही लगता है कि उसे 8वां या 9वां महीना चल रहा होगा। तो फिर इससे कैसे साबित होता है कि वो बच्चा इयान का नहीं है? साबित होता है जिमिना, जंगकुक को गए हुए 5 महीने हो गए है और उस लड़की का पेट देखो। क्या कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब रोज के पेट में का बच्चा इयान का नहीं है, मतलब जंगकुक का नहीं है, है ना? हाँ जिमिना, बिल्कुल। अगर वो हमारा जंगकुक है तो रोज का पति कौन है? और रोज जंगकुक को अपना पति क्यों बोल रही है? वो पता चल ही जाएगा। वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता, बस वो रोज का पति नहीं है, वो मेरा जंगकुक है, वो मेरा पति है। हाँ ताई बेटा, हम सबको पता है कि जंगकुक तुम्हारा पति है, लेकिन हम कर कह सकते हैं, शायद उसकी मेमोरी लॉस हो गई है और हमें उसकी मेमोरी वापस लानी है। पुत्र, तुम ठीक बोल रहे हो, हमें उसे किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि उसकी मेमोरी जल्दी से वापस आ जाए और वो ठीक हो जाए। नामजुन हो भी, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। हाँ मम्मी। ताई बेटा, ठीक हो तुम? हाँ पापा। हेलो आंटी,
अरे वायन बेटा, तुम काई लीजा बुगम, तुम लोग भी आई हो? जी हाँ आंटी, हेलो 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 बेटा, शायद तुम लोग ताई से मिलने आए हो। जी हाँ आंटी, हेलो ताई, हेलो वायन। तभी जंगू की चिल्लाने की आवाज आती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसे बांध कर रखने का मतलब क्या है मुझे? ये किसकी आवाज है जिनू? जंगकुक की। क्या जंगकुक की? आपका कहने का मतलब क्या है मम्मी, क्या वो जंगकुक की आवाज थी? हाँ, लेकिन जंगकुक तो जंगकुक जीजा जी कैसे? तुम सबको इतना ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। एंड फिर शुगा सबको बता देता है कि जंगकुक उन्हें कैसे मिला। क्या इसका मतलब जंगकुक जिंदा है? लेकिन वो अगर जंगकुक है तो वो इयान कैसे बन गया? और सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि जंगकुक की जान बचाई किसने? ये सब अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अगर जंगकुक की मेमोरी लॉस हो गई है तो वापस कैसे आएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट क्या वायन? मतलब ये कि जंगकुक जीजू की मेमोरी वापस लाने में न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट हमें कहाँ मिल सकता है। तुम्हें पता है बुगम, क्या तुम हमें उसका एड्रेस दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। अरे वाह बुगम, तुम कब से जंगकुक के लिए ये सब करने लगे हो? वो मैं भाई, ये अभी मजाक का वक्त नहीं है बुगम, तुम जल्दी से उन्हें एड्रेस दो। हाँ, और फिर इसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट का एड्रेस बुगम शुगा को दे देता है और कुछ देर बाद न्यूरोलॉजिस्ट को जॉन मेंशन बुलवा लिया जाता है। क्या ये जॉन मेंशन है? जी हाँ, ये जॉन मेंशन है। आप बता सकते हो आप कौन हो? हेलो, मेरा नाम जैक्सन वांग है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। ओह डॉक्टर साहब, आप आइए मेरे साथ अंदर। हाँ वो तो मैं अंदर आऊँगा ही। एंड फिर वो दोनों जॉन मेंशन के अंदर जाते हैं। ये कौन है इन वो? बस ये डॉक्टर है जैक्सन। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना अपना परिचय। ओके सॉरी। हेलो, मेरा नाम है जैक्सन वांग और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। क्या ये जंगकुक की मेमोरी वापस लाएगा? आंटी आपको कोई शक है मुझ पे? हाँ नहीं डॉक्टर साहब, भला मुझे आप पर क्यों शक रहेगा? आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको जंगकुक के पास ले चलता हूँ। रुक जाओ, मैं सूंघ के ही पहचान लेता हूँ कि मेरा पेशेंट कौन है। तुम? क्या कौन? मैं? हाँ तुम। अरे डॉक्टर साहब, मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, जंगकुक की हुई है। मैं जंगकुक नहीं हूँ। ओह मुझे पता ही था वो तुम नहीं हो बल्कि तुम हो। हाँ? मैं वो नहीं हूँ डॉक्टर, मैं बुगम हूँ। वो हाँ मुझे पता है, मैं तो तुम लोगों की सिर्फ टेस्ट ले रहा था। डॉक्टर अगर आप ये फिजूल की बातें छोड़कर मेरे भाई का इलाज करें तो ये बेटर रहेगा। हाँ ठीक है चलो। हे देवा, अब तो मुझे सच में शक होने लगा है, क्या ये सच में जंगकुक का इलाज कर पाएगा? मुझे नहीं लगता आंटी। हाँ ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट।